हेलो फ्रेंड्स, यह है जावा इन हिंदी और लेसन नंबर 89 पर है हम, और इसमें हम सीखेंगे हाउ टू राइट टेक्स्ट फाइल यूजिंग java.io.filewriter। ओके, तो अगले लेसन में सीखा था हमने कि टेक्स्ट फाइल में से डेटा कैसे रीड करना है। ओके, तो इस लेसन में सीखेंगे कि टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डेटा राइट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा java.io.star। ओके, फिर हमने क्लास बनाया राइटर, राइट टेक्स्ट डेमो 1, ये वॉइड मेन मेथड, और इसके अंदर हम लिखेंगे फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, तो फाइल राइटर fw इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। ओके, और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर लिखना है आपको फाइल का नाम, यानी कि मैं लिखता हूँ output.txt। ओके, तो ये हमारा फाइल बन गया output.txt। अब फाइल राइटर क्या करेगा कि यदि आपने output.txt फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, ओके, तो उसमें डेटा राइट करेगा। अगर आपने फाइल नहीं बनाई है तो वो पहले फाइल बनाएगा और फिर उसमें डेटा राइट करेगा। ओके, यानी कि फाइल राइटर क्लास, यदि फाइल आपने नहीं बनाई है तो वो नई फाइल बनाएगा, उसको ओपन करेगा और डेटा उसमें राइट करेगा। ओके, यदि फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेटा ओवर राइट करेगा। ओके, यदि आपको ओवर राइट नहीं करना है, डेटा अपेंड करवाना है, तो यहाँ पर आप ट्रू लिख सकते हो। ओके, ट्रू का मतलब क्या है कि डेटा जो है वो अपेंड होगा। ओके, यानी कि ऑलरेडी डेटा आपने अंदर रखा हुआ है और उसको ओवरराइट नहीं करना चाहते हो पर अपेंड करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर कॉमा करके ट्रू लिख सकते हो। और अब हमें क्या करना है कि ये fw ऑब्जेक्ट हमने बनाया फाइल राइटर का, डॉट करके राइट नाम की मेथड है। ओके, उसकी तो उसका यूज़ करके आप स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हो। ये देखिए, मैं हेलो पेलेंट यहाँ पर रखता हूँ, स्ट्रिंग fw.write देन वर्ल्ड। ओके, तो ऐसा करके आप डेटा राइट कर सकते हो इसके अंदर। ओके, एकदम सिंपल सा मेथड है ये डेटा राइट करने का। फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिल राइट मेथड है, उसका यूज़ करके आप डेटा अंदर राइट कर सकते हो। अब मैं लास्ट में लिखता हूँ यहाँ पर system.out.println। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइटिंग कंप्लीट। ओके, कंप्लीटेड। तो ये हमारा सिंपल सा प्रैक्टिकल हो गया फाइल राइट करने का। ओके, और रीड करने का हमने अगले लेसन में सिखाया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि राइट मेथड जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके, ये देखिए, इसको मैं अब कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो एरर आएगी, एक तीन एरर आएगी, ये देखिए जावा सी फाइल राइटर। ओके, तो क्या एरर आती है, कैन नॉट फाइंड सिंबल fw.write। ओके, यानी कि यहाँ पर W कैपिटल हो गया है, या तो स्मॉल करना पड़ेगा पहले। ओके, राइट स्मॉल लेटर में लिखना है आपको। फिर ये देखिए एक्सेप्शन आता है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन java.io.io exception। ओके, io एक्सेप्शन मस्ट बी कैच, यानी कि इस स्टेटमेंट को आपको ट्राई कैच में लिखना होगा, यहाँ पर ट्राई, यहाँ पर कैच। ओके, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। यदि आपको एक्सेप्शन सीखना है डिटेल में तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, एक्सेप्शन के क्लासेस। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच लिखने नहीं जा रहा हूँ, पर यहाँ पर क्या करूँगा, थ्रो स्टेटमेंट लिखूँगा मैं, थ्रोज io एक्सेप्शन। ओके, इस तरीके से। तो आप थ्रो स्टेटमेंट का यूज़ करके, आप थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करके
यहाँ पर वो एडमिन के ऊपर लिख सकते हो आयो एक्सेप्शन। ओके, यदि आपको ट्राई कैच चाहिए नहीं, यहाँ पर नहीं लिखना है तो ये देखिए, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ वापस, तो देखिए कोई भी एरर नहीं आई अब। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ, जावा राइट डेमो वन। ओके, जब हम रन करेंगे तो क्या होगा कि फाइल राइटर क्लास ये आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल को बनाएगा। ये देखिए हमारा फोल्डर, ओके ये हमारा फोल्डर है और इसमें कोई भी आउटपुट डॉट टेक्स फाइल नहीं है। ओके, जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये फाइल बन जाएगी और इसमें डेटा आ जाएगा, कौन सा, ये हेलो वर्ल्ड GDPM लिखा है वो। ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो क्या हुआ, राइटिंग कंप्लीट। ओके, राइटिंग कंप्लीट हो गया तो फोल्डर के अंदर आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल बन जाएगी और उसके अंदर डेटा यहाँ पर नहीं आया। ओके, आउटपुट के अंदर डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया अब हम देखते हैं। चलो फाइल डॉट राइट, ओके देन इसको क्लोज करना पड़ेगा शायद, डॉट क्लोज मेथड से। अब मैं इसको वापस कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ओके, आउटपुट ये देखिए, हेलो वर्ल्ड एंड GDP आ गया आउटपुट इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए आपको ये फाइल राइटर क्लोज करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो चला जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर पहले GDP लिखता हूँ और फिर हेलो लिखता हूँ। ओके, अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। ओके, तो राइटिंग हो गया हमारा, अब फाइल को ओपन करके देखते हैं तो GDP एंड हेलो आया। ओके, तो पहले जो हमने टेक्स्ट लिखी थी वो टेक्स्ट चली गई। ओके, पहले हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड GDP, तो वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ से निकल गई। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो फाइल राइटर है वो क्या करेगा, ओवर राइड करेगा, यानी कि पहला जो डेटा था वो चला जाएगा। अगर आपको ओवर राइड नहीं करना है तो यहाँ पर कोमा करके ट्रू लिख सकते हो। ओके, यदि मैंने ट्रू लिखा तो इसका क्या मतलब है कि अब ओवर राइड नहीं होगा डेटा, जो पहले डेटा था वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब देखिए वापस से मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ इसे, राइटिंग कंप्लीट, ये हमारा टेक्स्ट फाइल, ये देखिए हेलो GDP जो पहले लिखा था वो एज इट इज़ रहेगा और ये वापस से GDP हेलो जो टेक्स्ट हमने लिखी है राइट की वो आ गई। ओके, तो ये अपेंड कहलाता है, यानी कि फाइल के एंड में हमें स्ट्रिंग को अपेंड करना है। ओके, तो चलिए अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, तो ये हो गई स्ट्रिंग की बात। ओके, तो आप ये जो स्ट्रिंग है वो वेरिएबल में भी ले सकते हो। ओके, स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करके आप स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हेलो। ओके, और यहाँ पर आप नेम लिख सकते हो, नेम। ओके, तो इस तरीके से भी चलेगा। अब आपको इंटीजर वैल्यू यदि आप डालनी है, ओके, इंटीजर नंबर इक्वल टू 10, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ। ओके, तो नंबर जो है वो राइट नहीं होगा, यहाँ पर फाइल राइटर का यूज़ करके आप इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते हो, इंटीजर को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले स्ट्रिंग में। ओके, तो ये देखिए मैंने अभी कन्वर्ट नहीं किया है तो क्या आएगा आउटपुट, देखिए कंपाइल हो जाएगा, रन भी हो जाएगा प्रोग्राम, पर यदि आप आउटपुट में देखेंगे तो सिर्फ हेलो लिखा हुआ आया अंदर। ओके, तो हमें हेलो के अलावा उसका नंबर भी डालना है 10, जो कि इंटीजर नंबर है, तो हमें क्या करने पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का यूज़ करके आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ये इंटीजर नंबर है, ये वैल्यू ऑफ, ओके, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर को स्ट्रिंग में। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, देखिए और रन करते हैं, राइटिंग कंप्लीट, तो ये फाइल हमने ओपन की, ये देखिए 10 भी आ गया और हेलो भी आ गया,
ओके। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर डबल कोटेशन प्लस करके थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, ओके। यदि आपको बीच में स्पेस रखनी है तो भी आप रख सकते हो दो वैल्यू के बीच में, ओके। इसको मैं नोटपैड को क्लोज कर देना है, ओके। राइटिंग कंप्लीट। ये देखिए 10 और बीच में स्पेस आ गई एंड हेलो, ओके। तो आप यहाँ पर स्लैश टी का भी यूज़ कर सकते हो, स्लैश टी, ओके। और यदि आप स्लैश एन का यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ओके। स्लैश एन हेलो, स्लैश एन वर्ल्ड, ओके। तो इस तरीके से आप स्लैश एन या स्लैश टी या फिर इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप नोटपैड के अंदर राइट करवा सकते हो। पर उसके अंदर क्या होगा कि स्ट्रिंग वैल्यू ही आप राइट कर सकते हो। तो जो भी वैल्यू होगी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद ही आप अंदर वैल्यू एंटर करवा सकते हो, ओके। तो चलिए इसको मैं अब रन करता हूँ और आउटपुट देखते हैं क्या आता है। कंप्लीट हो गया राइटिंग। ये आउटपुट ये देखिए 10 GDP, ओके, वर्ल्ड GDP। अभी स्लैश एन नहीं आया, क्यों नहीं आया देखते हैं हम। स्लैश एन, ओके, चलो वो मैं बाद में समझा दूंगा आपको। वर्क तो करना चाहिए पर नहीं वर्क किया, ओके। तो अभी इतना रखो। और फाइल राइट कैसे करनी है वो आपको आ गया यूजिंग राइट मेथड, ओके। और उससे पहले आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टेटमेंट, फाइल राइटर का यूज़ कीजिए, ओके। और इस तरीके से आप डेटा राइट फंक्शन का यूज़ करके डेटा राइट कर सकते हो, कोई भी डेटा। और यहाँ पर मत भूलिए थ्रोज कीवर्ड, आयो एक्सेप्शन, ये राइट मेथड है वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन रेज करती है। और लास्ट में उसको क्लोज करना है, फाइल राइटर डॉट क्लोज। यदि क्लोज नहीं किया तो डेटा राइट नहीं होगा, ओके। और यदि आपको अपेंड करना है तो यहाँ पर कोमा करके ट्रू लिखना होगा। यदि अपेंड नहीं करना है तो मत लिखिए यहाँ पर, ओके। तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।